आपने 70 साल में कुछ नहीं सीखा? जो पार्टीशन का दर्द इतने लाखों लोगों को अपने एक रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से जो सारी परेशानियां उठानी पड़ी, इतने लोग मारे गए, इतने लोग डिस्प्लेस हुए, इट इज़ द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन इन द वर्ल्ड टिल टुडे, और वही गलती क्या हम अब दोबारा दोहराएंगे? आज इंडिया, जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने एक चॉइस की कि हम इसे एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर कंट्री के नाते देखेंगे। आप हर इंसान को कह रहे हैं कि आप प्रूफ करिए कि आप इंडियन हैं। चार चार जनरेशन से जो यहाँ पर हैं उनको आप कह रहे हैं कि ये आपका देश नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। मुझे लगता है इसके लिए सभी को बोलना चाहिए, वैसे बोल ही रहे हैं हर जगह, जिस तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं थी, इसको पॉलिटिकल बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स ने ये शुरुआत की है, यंग लोगों से बहुत उम्मीद है, और हर जगह शाहीन बाग अब बन रहे हैं कि इतने सारे लोग सड़क पे आ गए। तो मुझे लगता है हर एक सिटीजन, एक नागरिक के हिसाब से, एक इंसान के हिसाब से हम सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इस देश की जो बुनियाद है, जो वैल्यूज़ है, उसे संभाल के रखना चाहिए।